हब एंड स्पोक सप्लाई मॉडल। आपको क्यों पता होना चाहिए? केंद्र सरकार देश में खाद भंडार के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस हब एंड स्पोक सप्लाई मॉडल के तहत शुरू होने जा रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में विवरण में। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत डिजाइन बिल्ड फंड ऑन एंड ऑपरेट टेंडर की तकनीक बोलियों के लिए खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। देश के खाद्यान्न भंडार के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए देश भर में अनाज सिलोस के विकास के लिए एक नया मॉडल अर्थात सार्वजनिक नीति भागीदारी मोड के हब और स्पोक मॉडल प्रस्तावित किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों के 14 स्थानों वाले 4 बंडलों के लिए कुल 38 बोलियां प्राप्त हुई हैं। कुल 15 संभावित पार्टियों ने अपनी रुचि दिखाई है और अपनी बोलियां जमा की हैं। तकनीकी मूल्यांकन 3-4 सप्ताह में पूरी होने की उम्मीद है। मॉडल के बारे में, हब एंड स्पोक मॉडल एक परिवहन प्रणाली है जो लंबी दूरी के परिवहन के लिए स्पोक के रूप में संदर्भित स्टैंडलोन स्थानों से हब नामक केंद्र स्थान पर परिवहन परिसंपत्तियों को समेकित करती है। हब में एक समर्पित रेलवे साइडिंग और कंटेनर डिपो सुविधा है, जबकि स्पोक से हब तक परिवहन सड़क के माध्यम से और हब से हब हवाई रेल तक किया जाता है। रेलवे साइडिंग की दक्षता का उपयोग करके यह मॉडल थोक भंडार और आवाजाही के माध्यम से लागत दक्षता को बढ़ाता है। देश में आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के अलावा संचालन और परिवहन की लागत और समय को कम करता है और परिचालन जटिलताओं को सरल करता है। इसके अलावा साइलो को उप मंडी यार्ड घोषित किया जाता है, जिससे किसानों के लिए खरीद में आसानी होती है और रसद लागत में कमी आती है। हब और स्पोक मॉडल के तहत विभाग ने डिजाइन बिल्ड फंड ऑन एंड ट्रांसफर और डिजाइन के तहत देश भर में 249 स्थानों पर 111.125 LMT हब और स्पोक मॉडल साइलों की क्षमता विकसित करने का प्रस्ताव किया है। बिल्ड फंड ऑन एंड ऑपरेट कार्यान्वयन एजेंसी यानी भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से हब एंड स्पोक मॉडल क्या है? हब और स्पोक मॉडल एक वितरण पद्धति को संदर्भित करता है जिसमें एक केंद्रीकृत हब मौजूद होता है। सब कुछ या तो हब में उत्पन्न होता है या उपभोक्ताओं को वितरण के लिए हब में भेजा जाता है। हब से माल आगे की प्रक्रिया और वितरण के लिए कंपनी के स्वामित्व वाले छोटे स्थानों जिन्हें स्पोक्स कहा जाता है के लिए बाहर की ओर जाता है। एयरलाइन उद्योग ने हब और स्पोक मॉडल में क्रांति ला दी। एयरलाइन एक केंद्रीकृत हब से संचालित होती है और क्षेत्रीय हवाई अड्डों का उपयोग प्रवक्ता के रूप में करती है, जिससे वे उड़ानें प्रदान करते हैं।